इस चैप्टर का कुछ हिस्सा नहीं, आप यूं बोल सकते हो कि इस चैप्टर का आधा हिस्सा आप लोग ने 11th में पढ़े। आपको याद होगा हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर दो पार्ट पढ़े, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में बेसिक प्रॉब्लम्स पढ़े थे और पार्ट टू में डबल एंगल और ट्रिपल एंगल और कंपाउंड एंगल के बेस पर फॉर्मूले हम लोगों ने सॉल्व किए थे। जो पहला चैप्टर था वहां पर हम लोगों ने ये सीखे थे कि किस तरीके से साइन, कॉस, टैन और कॉट की वैल्यूज अलग अलग क्वाड्रेंट में चेंज होती है, कैसे वो अपने आप को रिपीट करते हैं। हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो अपने आप को क्या करते हैं, चलो रिपीट कर। मैं कुछ पार्ट 11 का यहाँ पर वापस से एक बार ले रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, याद होगा सबको, हम लोग ने पढ़े थे बच्चों कि अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं नॉर्मली हम लोग उसको 0 से 180 डिग्री के बीच में स्टडी किए थे 10th स्टैंडर्ड और 180 भी नहीं 90 तक के स्टडी किए थे शायद, सब 0 से 90 तक के पढ़े थे और उसके बाद की फर्दर वैल्यूज पर हम लोग ने कोई भी डिस्कशन नहीं किए। बट हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में जब आए तो हम लोग ने पढ़े कि हम लोग थीटा कितना भी घुमा सकते, इट माइट बी 180, इट माइट बी 360, 720, 1080, कुछ भी हो सकता है। मतलब एंगल्स क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं और डिपेंडिंग अपन दी एंगल्स उसकी वैल्यूज भी क्या होगी, चेंज होगी। बट उसकी वैल्यूज जो है ना बच्चों वो फिक्स रहेगी, मतलब कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे सभी को पता है कि अगर मान लो कि ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। और अगर मैं आपको बोलूं कि साइन 30 कितना होता है, सभी लोग बोलेंगे हाफ होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं 30 डिग्री पर आंसर पूछा तो भी हाफ है, और अगर मैं एक पूरा कंप्लीट सर्कल घुमाकर वापस से आ जाऊं तो भी कितनी रहेगी, मतलब ये पूरा एक सर्कल घुमा तो 360 प्लस 30 कितना हो गया 390। तो सर साइन 390 पर भी कितना हो, हाफ ही होगा। अब समझ में आ रहा है ना, मतलब वैल्यूज क्या होती है, रिपीट होती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स में समझे थे कि पीरियोडिक किसको बोलते हैं, जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम अपनी वैल्यूज को रिपीट करे, दे आर नोन एज पीरियोडिक। अगर आप ध्यान से याद करो बच्चे, तो हम लोग पढ़े थे कि साइन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है और कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, वो 90 से 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है। अरे याद आ रहा है, हर एक का ग्राफ भी हम लोग पढ़े थे कि कैसा दिखता है। मैं सिर्फ एक शॉर्ट रिव्यू ले रहा हूं ताकि ध्यान में। अब हम लोग ने इसमें सीखे थे बच्चे लोग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, याद आ रहा है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक याद आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़े थे टैन और कॉट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़े थे कॉस और सेक, याद है ना, ऑल सरदार जी टिकट चेक ध्यान में सबको। तो इससे एक बात समझ में आई, याद है, हाँ इसको याद करने का ट्रिक है, ऑल सरदार जी टिकट चेक, सरदार जी में ऐसा आ रहा है तो साइन, उसका उल्टा कोसेक, टिकट में टी आ रहा है तो टेन, उसका उल्टा चेकर में सी आ रहा मतलब कॉस और उसका उल्टा, समझ में आ गया। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से 360 डिग्री के बीच में, ध्यान से सुनो, 0 से 360 डिग्री के बीच में साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से 360 के बीच में टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर आप बात करें साइन की तो 0 से 360 के बीच में आपको साइन की ऐसी दो वैल्यू मिलेगी जो रिपीट हो, जो क्या होगी, जैसे एग्जांपल देता हूं, देखो अगर मैं साइन के लिए ग्राफ बनाऊं बच्चों, साइन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये दूसरा मेथड ले रहा हूं समझाने, कट नहीं किया बनाया हूं मैंने, मान लो ये एक वैल्यू थी साइन की, कोई वैल्यू आपने कैलकुलेट की थीटा लेकर कुछ भी, तो आपको ये वैल्यू मिल गई, ऐसे ही सेम वैल्यू यहाँ पर भी तो मिलेगी ना, अरे हाँ है ना, तो साइन आपको दो जगह पर क्या करता है, वैल्यू देता है सेम विद इन 0 to 360 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बार बार 0 to 360 पे क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हम लोग को यहाँ पर दो टाइप की वैल्यूज के बारे में पढ़ा, एक वैल्यू जो 0 से 360 के बीच में, अब ध्यान से देखो ब्रैकेट का डिनोशन देखो, मैंने यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर
ऊपर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर 360 डिग्री इंक्लूड नहीं है उससे पहले, और ये 0 डिग्री इंक्लूड है। तो 0 और 360 के बीच में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दो वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू देगा? साइन दो दे रहा है, कॉस भी दो वैल्यू आपको देगा, टेन भी आपको कितनी वैल्यू देगा? दो वैल्यू देगा। ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 0 से 360 के बीच में कितनी वैल्यू देंगे? और वो जो दो वैल्यू है ना, दे आर नोन एज प्रिंसिपल वैल्यूज, दे आर नोन एज प्रिंसिपल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसको समझाने के। मान लो मैं बोलता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी जैसे मैंने हाफ बोला सबके दिमाग में आंसर आया 30, बट मुझे पता है कि 0 से 360 के बीच में इसकी कितनी वैल्यू आने वाली है। तो एक तो आप लोगों ने बोल दी, आपको पता है कि सर साइन हाफ कब होता है, 30 पर। तो आप बोल के सर साइन पाई बाई 3, याद है ना डिग्री और रेडियन। कोई है जिसको ये नहीं पता, प्लीज रेज योर हैंड, नहीं पता है तो पूछ लो, कंफ्यूजन होगा नहीं। याद है, ध्यान से देखो, हम लोग डिग्री मेजर और रेडियन मेजर भी पढ़े। हम लोग जो डिग्री मेजर में पढ़ते थे वो सीजीएस यूनिट था, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। एसआई यूनिट क्या है? जैसे अगर मैं बोलता हूँ 30 डिग्री पिता, अगर आपको उसको रेडियन में लाना है तो आप उसको पाई बाय 180 से क्या करोगे, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, समझा? डिग्री से अगर रेडियन में लाना है तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 31 30 से। आंसर कितना हो गया, आया समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहाँ 5/6 मिलेगा, 5/6, समझा कि नहीं भाई? अगर मैं बोलता हूँ 60 डिग्री तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/180 से। 60 कितना है, 5/3 रेडियन। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ, ना पूछो, कोई दिक्कत पक्का ना? हमेशा याद रखना, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो 5/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से डिग्री में आना तो 180 का उल्टा। समझ में आया? अब ये क्यों करना है, ये जरूरी है क्योंकि हम लोगों को जो एंगल्स लिखना पड़ता है वो पाई के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? अब देखो, एक वैल्यू तो पता चल गई अपने को, थीटा की एक वैल्यू कितनी है, और पाई बाय 6 0 से 360 के बीच में कितनी है सर? दूसरी वैल्यू साइन और का पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कहां पर पॉजिटिव होता है, मतलब अगर मैं ऐसा लिख दूं साइन 180 माइनस थीटा, क्या लिख दूं बच्चे लोग, 180। देखो जब 180 या 180 का मल्टीपल आता है तो रेशियो चेंज, और अगर 90 या 90 का मल्टीपल आएगा तो रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। ध्यान में ना ये कंसेप्ट, 180 पर रेशियो चेंज और 180 के मल्टीपल पर रेशियो चेंज, पाई बाय 2 या पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पर रेशियो क्या होगा, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, इन सब पर रेशियो क्या हो जाएगी। तो अगर साइन 180 माइनस थीटा तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, साइन। बट अगर इसी की जगह ऐसा होता बच्चे लोग साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा तो रेशियो चेंज होगा, रेशियो क्या होगा, क्योंकि ये पाई बाय 2 है ना, तो आप इसको क्या लिख दोगे, अब चेक करने का है कि प्लस है के 180 माइनस थीटा, मैं क्या बोलूं बच्चे लोग, ये 180 डिग्री होता है ना, ये तो जीरो है, यहाँ से घूम के आया तो ये 180 डिग्री, 180 माइनस बोलो क्या बोलाओ, तो क्या होगा, पीछे, पीछा होगा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, समझ में आया। अच्छा कॉस की बात करो, कॉस 270 माइनस थीटा, 3/2 बोले तो कितना, ये 270 वाली लाइन है, 270 माइनस थीटा मतलब पीछा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, अच्छा साइन, कॉस भी माइनस है, साइन है ना, तो क्या आएगा, माइनस में। अरे समझा कि नहीं, साइन को देखकर करना, कॉस को देख के आंसर नहीं लिखना, क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स से मैं बोला 10 3 पाई प्लस थीटा, 10 3 पाई प्लस थीटा, पाई बोले तो कितना बचे, पाई बोले तो 180, यहां पर फिर ये एक पाई हुआ ना, दो पाई, तीन पाई प्लस हो रहा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस पाई है ना, पाई पर रेशियो चेंज तो क्या हो जाएगा, याद आ रहा है ना सबको। अच्छा अगर मैं बोलता कि कॉट 3/2 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट 3/2 माइनस थीटा, सर पहले तो 5/2 है, रेशियो चेंज होगा, कॉट का क्या होगा, 10 होगा,
चेक करना है प्लस के, सर ये 3 पाई बाय 2 बोले तो 270, माइनस बोलेंगे तो पीछे आएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट? हर क्वाड्रेंट में गॉड क्या होता है? समझ में आया? अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत? ठीक, तो इससे एक बात समझ में आ रही है, मैं जरा ये रब कर रहा हूँ, मैं वापस से इस पर आ रहा हूँ। मतलब यहाँ पर लिखे थे कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन ये भी कितना होता है अभी पढ़े ना, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, और थीटा अपने को पता है कितना है। अगर मैं इन दोनों जगह पर पाई बाय 6 रख दूं, यहां पर भी क्या आएगा, तो पाई माइनस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, पाई पाई बाय 6, और दूसरी वैल्यू कितनी है, ये दोनों बराबर है ना, गरीब लोग ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पाई और ये दोनों का बेस सेम है ना, कॉमन लिख दो 6 पाई माइनस पाई कितना, ये वैल्यू बराबर है, ये बोल रहा हूँ, एंगल बराबर नहीं बोल रहा, ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है ना, मतलब थीटा की एक वैल्यू तो पाई बाय 6 बॉयज, और दूसरी वैल्यू कितनी है, और अगर ध्यान से देखो तो 5 पाई बाय 6 भी 0 से 360 के बीच में, 0 से 360 के, मतलब ये जो दो वैल्यूज है ना, ये कौन सी वैल्यूज है बच्चों, ये सर प्रिंसिपल वैल्यूज, ये कौन सी वैल्यूज है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस 0 से 360 के बीच में जितनी भी वैल्यू शो करेंगे, दे आर नोन एज प्रिंसिपल वैल्यूज, दे आर नोन एज प्रिंसिपल। अब एक चीज सबसे पहले आपकी बुक में जो बताया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, किसको बोलते हैं, यस सर, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और उसी को हम लोग को यहां पर क्या करना है, सॉल्व। हम लोग बात कर रहे थे अभी किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू, इसके अलावा भी तो वो रिपीट भी तो कर सकता है ना, अभी तो मैंने बताया कि ये घूम घूम कर आएगा, कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, तो हम लोग क्या सबके लिए निकालते बैठेंगे फिर, नहीं, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जनरल वैल्यूज निकालते, क्या निकालते हैं, और जनरल वैल्यूज निकालने के लिए हम लोगों ने कुछ जनरल फॉर्मूले बना के रखे। आप सोचो ना, जनरल वैल्यूज तो इन्फिनिटी तक के चलेगी ना सर, तो क्या आप इन्फिनिटी तक के निकालते बैठेंगे, प्रिंसिपल तो चली सर समझ में आ रहा है, दो ही निकालना है, कैलकुलेट कर लेंगे, व्हाट अबाउट जनरल, तो जनरल के लिए हम लोग को क्या करना है, जनरलाइज फॉर्मूला बना ले, समझ में आ रहा है, आपने जनरलाइज फॉर्मूला बनाया उससे आप सारे प्रॉब्लम्स को फिर क्या कर सकते हो, क्लियर, कोई दिक्कत। दो टाइप की वैल्यूज बना ले, पहली एक्सरसाइज कितनी, पहली कौन सी है और दूसरी कौन सी है, प्रिंसिपल वैल्यूज 0 से 360 के बीच, और प्रिंसिपल और सॉरी जनरल वैल्यूज सबके लिए सर, वहां पर जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे और उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स को क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत, वो देखेंगे कि कैसे फॉर्मूले आने वाले हैं वो बाद में। ये मैंने जो पीछे पढ़ाया हूँ शायद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए, रीजन क्योंकि मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड में लेके गया, सिर्फ मुझे बताना था कि हम लोग ये पढ़े हैं, रिकॉल करवाना था, समझ में आया, एकदम डिटेल में नहीं गया हूँ, जिसको नहीं समझ में आया है या नहीं आता है या 11 में नहीं पढ़े तो वो एक्स्ट्रा पूछ लो, क्योंकि पूरा चैप्टर यही चल रहा है, समझ में आया, कर दूं, चलो अब जरा याद ध्यान, कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। लास्ट ईयर सिलेबस से कैंसिल था, बट इस साल है तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1, मैं भी जनरल पर नहीं आया हूँ, जनरल पे जब क्वेश्चन लेंगे तो वहां पर पहले जनरल का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कि डिराइव कर लेते हैं फिर स्टार्ट। बात करते हैं जनरल सॉल्यूशंस की, प्रिंसिपल आसान है,
प्रिंसिपल में कोई दिक्कत वो अगर आपको ये पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन प्लस है और कौन से क्वाड्रेंट में कौन माइनस है तो आप प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते निकाल क्या सकते हैं निकाले 11 में ठीक है। मेन दिक्कत कहां पर है जनरल में क्योंकि जनरलाइज में हम लोग को जनरल फॉर्मूला बनाना है तो मैं सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ कैसे बने ताकि आप लोग को याद करने में क्या हो जाए आसानी। हम लोग उस पर प्रूफ नहीं पूछता है ये नहीं पूछता है कि ये कहाँ से आ रहा है वो सिर्फ आपको याद आ जाना चाहिए ठीक है। तो हम लोग उस प्रॉब्लम को देखते हैं जनरलाइज फॉर्म सब हर एक के लिए हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या कर लेते हैं डिराइव कर लेते हैं उसके बाद उसके बेसिस पर प्रॉब्लम को क्या करेंगे सॉल्व। अब देखो जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू में फर्क क्या इतना तो समझ में आ गया। जनरल वैल्यू सिर्फ एक बार घूमने वाला है और प्रिंसिपल वैल्यू तो उल्टा बोलते प्रिंसिपल एक बार घूमेगा और जनरल मल्टीपल टाइम क्या हो सकता है रोटेट हो सकता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं जनरल सोल्यूशन की वजह से यहां पर थोड़ा ध्यान से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर सिर्फ दिस इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाय। अब आप बताओ रूट थ्री बाय टू साइन कब होता है थ्री पर होता है मतलब सर साइन थीटा किसके बराबर पाई बाय थ्री के बराबर होगा ना मतलब साइन पाई बाय अच्छा और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है तो आप उसको पाई माइनस थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो मतलब आप बोल सकते हो कि सर साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर है एंड व्हाट इज थीटा सर हम लोग को थीटा पता है कितना है पाई बाय थ्री साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री और यहां पर भी पता जाएगा साइन पाई सही है ना थ्री पाई माइनस पाई टू पाई बाय ठीक है ना भी गर्ल्स टू पाई बाय और ये कितना हो गया कोई दिक्कत है ये दोनों कौन सी वैल्यू है प्रिंसिपल है ये दोनों कौन सी वैल्यू है। अब जरा देखो मैं बात करता हूं जनरल सॉल्यूशन की या जनरल वैल्यूज और इन जनरल एक एग्जांपल लिख रहा हूं मान लो कि साइन थीटा किसके बराबर है साइन अल्फा साइन थीटा किसके बराबर है अभी आपने रूट थ्री बाय टू क्या लिखे थे साइन पाई बाय थ्री लिखे थे तो वो पाई बाय थ्री अपने लिए क्या है अल्फा क्या अपने लिए तो इस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा तो बताओ कि थीटा कितनी वैल्यूज ले सकता है और इसके अलावा देखो साइन कहां कहां पॉजिटिव है ध्यान से सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड अच्छा मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन टू पाई प्लस अल्फा टू पाई प्लस अल्फा नहीं लिख सकता अरे टू पाई बोले तो पूरा एक सर्कल प्लस अल्फा बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये भी कौन से क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट अच्छा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन फोर पाई प्लस अल्फा अरे हाँ या ना अच्छा मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन सिक्स पाई प्लस अल्फा मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूँ इसके लिए मैं वैल्यूज लिखते जा रहा हूँ एंड गोज ऑन है ना अच्छा इसके अलावा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है मतलब सर अपने को पता है कि साइन थीटा इज नथिंग बट साइन पाई माइनस अल्फा आया ना साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है समझ में आ रहा है कि अच्छा और घूम के आया तो और कैसे लिख सकते हैं सर साइन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 पाई माइनस अल्फा अरे 3 पाई ना 1 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है ये किसके हिसाब से चल रहे थे फर्स्ट क्वार्टर और ये किसके हिसाब से चल रहे थे और क्या आएगा इसके बाद आया ना बच्चे फाइव पाई माइनस एंड गोज सेवन पाई माइनस अल्फा ये चलेगा ना क्या क्या आ रहा है देखो अल्फा पाई माइनस अल्फा टू पाई प्लस अल्फा थ्री पाई माइनस अल्फा फोर पाई प्लस अल्फा फाइव पाई माइनस अल्फा सिक्स पाई प्लस अल्फा एंड गोज आया ना मतलब सर थीटा की वैल्यूज कुछ ऐसी दिखने वाली अल्फा पाई माइनस अल्फा टू पाई प्लस अल्फा थ्री पाई माइनस अल्फा फोर पाई प्लस अल्फा फाइव पाई माइनस अल्फा है ना सर। अब इससे अपने को एक जनरल फॉर्म बनाना है इतना तो समझ में आ गया ना ऐसी वैल्यूज चल रही है
इसको देखो और एक जनरल फॉर्म बनाओ इसका। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, n की वैल्यू कितनी रखता हूं, तो यहां पर कितना जाएगा 1, यहां पर 1 इंटू पाई कितना बचेगा 5, ठीक है। माइनस 1 का पावर 1 कितना जाएगा माइनस 1, प्लस माइनस क्या है अल्फा, अरे 5 माइनस अल्फा आया। अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लेता हूं, n की वैल्यू कितनी ले लेता हूं, अगर मैं यहां 0 रखूं तो 0 इंटू पाई माइनस 1 रेस टू 0 1 क्या बचेगा, सही है। अच्छा अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लेता हूं, कितनी ले लेता हूं चलो, तो यहां कितना आ जाएगा 2 पाई, और ये माइनस 1 का पावर 2, माइनस 1 का पावर 2 बोले तो प्लस, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, प्लस प्लस क्या बचा आया 2 पाई प्लस अल्फा। ध्यान से देखो, अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लूं, कितना ले लूं, तो 3 पाई माइनस 1 का क्यूब कितना होगा माइनस, प्लस माइनस n पाई माइनस अल्फा, सॉरी 3 पाई माइनस अल्फा, आ रहा है कि नहीं। तो जनरलाइज फॉर्म बना लिया हम लोग ने। अगर अब आपको कभी भी बोलेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन हाफ, क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन हाफ, अब वी नो दैट साइन हाफ कब होता है, ठीक है, तो आप लिख दो कि साइन थीटा बराबर साइन पाई बाय, जनरल वैल्यू निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं निकालना, जनरलाइज के लिए हमें पड़े, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, n पाई प्लस माइनस 1 n अल्फा, n अपना अल्फा कितना है, तो यहां पर अल्फा की जगह कितना रख दें, ये हो गई इसकी जनरलाइज। अब आप n को चेंज करते जाओ, आपको सारी वैल्यूज समझ में आया, हाँ या ना बच्चों, कोई दिक्कत, कैसे डिराइव किया समझा, लिख लो मेन ये क्या रखना है आपको, ये साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, बहुत सारे गर्ल्स आवाज नहीं, सो बड़े सर हम लोगों को सेकेंड फॉर्मूला डिराइव करके बताएंगे, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, जनरलाइज। अब हम लोगों को दोनों तरीके से सोचने का, हम लोगों को पता है कि वैल्यूज दो जगह पे पॉजिटिव होती है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और cos और कहां पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और कहां पॉजिटिव होता है, तो लिख बेटा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अच्छे से लिख cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और कहां पॉजिटिव है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही डील करते हैं, वापस से अगर मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे घूम के आना है तो क्या लिखूं, बोलो 2 पाई प्लस अल्फा, तो इक्वल टू डाल बच्चा और नीचे लिख cos 2 पाई प्लस अल्फा, सही है ना, cos ब्रैकेट में लिखना 2 पाई प्लस अल्फा, ए भाई 2 पाई प्लस अल्फा, बड़े सर इज्जत खराब मत करो, 2 पाई प्लस अल्फा है ना बच्चे लोग। अच्छा वापस से अगर घूम के आऊं तो 4 पाई प्लस अल्फा, देखो 4 पाई प्लस अल्फा, और वापस से घूम के आया तो अभी बेटा cos 6 पाई प्लस अल्फा, ठीक है, कैरी ऑन होगा ना इसके बाद, आपको पता है cos of minus theta cos theta के बराबर होता है, बढ़िया है ना, cos of minus theta is what, तो आप लिखो cos theta
इक्वल टू पहले मतलब cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ माइनस अल्फा। अरे बात तो सही है ना, cos माइनस अल्फा और cos अल्फा क्या होता है? अरे cos ऑफ माइनस 30 और cos ऑफ 30 दोनों क्या होता है? चलो देखो cos ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस अल्फा को ब्रैकेट में, सही है ना। cos थीटा किसके बराबर है? cos ऑफ माइनस। अच्छा अब मेरे को अगर इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है तो कैसे लिखूं? फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लिखना है, अरे फर्स्ट में लिखना था तो 2 पाई प्लस लिखे थे, तो फोर्थ में लिखना तो 2 पाई माइनस लिख बेटा। cos इक्वल टू डाल लिख cos 2 पाई माइनस अल्फा ब्रैकेट में, सही बोल रहा हूं ना? अच्छा वापस से लिख लेंगे एक बार फिर, 4 पाई माइनस अल्फा। नेक्स्ट क्या है? सही है ना? अच्छा बता। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ देखो बच्चे लोग, समय यहाँ ध्यान, यहाँ से पता चला कि थीटा की वैल्यू अल्फा हो सकती है, माइनस अल्फा हो सकती है, 2 पाई प्लस अल्फा हो सकती है, 2 पाई माइनस अल्फा हो सकती है, 4 पाई प्लस अल्फा, एंड दोनों यही है ना। अब इसको कैसे लिखे? जनरलाइज फॉर्म में जरा ध्यान से देखिए, सोचो थीटा को अल्फा के फॉर्म में लिखो। देखो यहां पर अल्फा प्लस में भी है और अल्फा माइनस में भी है, जीरो नहीं है ना यहां पर, तो एन की वैल्यू जीरो लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते सर? टू एन फाइव प्लस माइनस अल्फा। ध्यान से देखो, अगर मैं एन की वैल्यू जीरो रखता हूं, एन की वैल्यू क्या रखता हूं, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर? या तो प्लस अल्फा या तो माइनस, या तो प्लस अल्फा। अगर मैं एन की वैल्यू वन रखता हूं, एन की वैल्यू कितनी रखता हूं, तो यहां पर एन अल्फा, एन अल्फा। अगर मैं एन की वैल्यू वन रखता हूं तो टू पाई प्लस अल्फा या टू पाई माइनस, थ्री रखा तो आगे जाएगा ना, तो 6 पाई प्लस अल्फा या 6 पाई, सही है ना बच्चों? 2 रखा तो 4 पाई प्लस अल्फा या 4 पाई, बन रहा है सारा जनरलाइज वाला। तो इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 4 पाई प्लस और माइनस अल्फा। समझ में आया? अगर इसी में तीसरे को डिस्कस कर ले बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। आपको पता है tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और tan अल्फा क्या होता है? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, सही है ना बच्चों? अगर मैं इसको उठा के इधर ले लूं, ठीक है, यहाँ पर देखो sin थीटा cos अल्फा, और ये कितना आ जाएगा? sin अल्फा, सही है? ये पूरा प्लस है, इस साइड आया तो sin थीटा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos थीटा इक्वल टू व्हाट? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, याद है ना? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये जीरो है, यहाँ साइन है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन जीरो, अरे हाँ है ना, लिख सकता हूँ ना, जीरो की जगह साइन जीरो भी लिख सकता हूँ, साइन जीरो कितना होता है? तो साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर से जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, पहला वाला बना, अरे बना कि नहीं? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, तो थीटा क्या था? कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज व्हाट? एन पाई प्लस माइनस वन लेस एन इनटू, अब अपना थीटा कितना है सर? थीटा माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन, एन व्हाट इज अल्फा? जीरो, जीरो से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना? तो एन पाई थीटा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा इधर आया तो मिल गया। इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा देन थीटा विल बी व्हाट? एन पाई प्लस अल्फा। समझ में आया? अरे हाँ यार, कोई दिक्कत पक्का? कैसे डिराइव किए इसको? तो साइन का यूज करके क्या कर दिया हम लोगों ने? डिराइव लिख लो, निकाला है
अरे बाप रे रिकॉर्ड हो गया। चलो याद है गर्ल्स आवाज नहीं करेंगे। देखो पहला पढ़े थे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी 2n पाई प्लस माइनस 1 इनटू अल्फा, पहला था ये। सेकेंड हम लोग पढ़े थे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, क्या पढ़े थे n पाई cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा से क्या पढ़े थे n पाई प्लस 1 तीसरा डिराइव किए थे n थीटा इज इक्वल टू tan, तो थीटा कितना है साइन थीटा जीरो कब होता है? जीरो पर, 180 पर, 360 पर, या आम भाषा में आप बोल सकते हो सर n पाई के मल्टीपल्स पर, है ना, या पाई के मल्टीपल्स पर, 180 पर जीरो है, 360 पर जीरो है, तो हम लोग क्या बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर, n कहां से स्टार्ट होगा, अरे जीरो भी रखना पड़ेगा क्योंकि साइन जीरो पर भी कितना होता है जीरो ही होता है, अच्छा वन रखे तो पाई हो गया, साइन पाई पे भी कितना होता है जीरो, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत मत, चलो सिमिलरली हम लोग को पता है कि cos थीटा भी जीरो हो सकता है, cos जीरो कब होता है 90 पर, और 90 के ऑड मल्टीपल, ध्यान से सुनो 90 या 90 के ऑड मल्टीपल, अब इसको कैसे लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में, तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, अब n की वैल्यू रखो, अगर जीरो रखते हो n की वैल्यू कितनी रखते हो 2 इंटू 0 0 प्लस 1, अगर n की वैल्यू 1 रखते हो 2 1 दा 2 प्लस 1, अगर n की वैल्यू 2 रखते हो 2 2 दा 4 प्लस 1, देखो हमेशा इवन ऑड केस आएगा, तो 5 बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, सर हम लोग को पता है पाई बाय 2 पर वो कितना होने वाला है 0, सही है। सिमिलरली बच्चों tan थीटा भी तो 0 सकता है ना, और tan 0 कब होता है सर 0 पर और 180 पर, या 180 के, तो जैसे साइन के लिए था वैसे किसके लिए हो जाए, कोई दिक्कत, अरे हाँ है ना बच्चों, इजी है पक्का। अब इसके अंदर ये 6 केस हो गए, ये 6 केस में ये 3 तो हमने इसी से डिराइव कर लिए, और 3 नए केस स्क्वायर के लिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कैसे प्रूव करेंगे साइन स्क्वायर थीटा is equals to sin square alpha। मैं sin को cos के फॉर्म में लिख सकता हूँ डबल एंगल फॉर्मूले से, पढ़े थे हम लोग, कोई याद दिलाएगा cos 2 theta का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ sin square theta, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, पहले ये लिख देता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2, मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना सिर्फ, ये माइनस इधर लेकर आओ और ये प्लस इधर लेकर आओ, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा, या अगर 2 को भी नीचे ले लो तो 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर, तो मैं यहां पर लिख दूं 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसे sin स्क्वायर अल्फा की जगह लिख दूं 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2, 2 से 2 1 से 1 माइनस से माइनस, अरे पहले ये 2 से 2 कटा फिर 1 से 1 और माइनस से माइनस, मतलब cos 2 थीटा किसके बराबर, सर ये तो सेम इसके जैसा हो गया, if cos theta is equal to cos alpha then theta is what 2n pi plus or minus, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना theta कितना है, ये किसके बराबर होगा 2n pi plus or minus, alpha कितना है सब में से 2 common लेके काट दें, तो theta किसके बराबर n
प्लस और माइनस, सही है ना। इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा देन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, जनरलाइज। तो प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, सेम। अगर आप कॉस स्क्वायर के निकालो बच्चे लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, अब कॉस का भी तो कॉस टू थीटा के फॉर्म में है ना आंसर, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद है ना बच्चे लोग, कॉस टू थीटा इज व्हाट, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस वन, इधर आए तो टू को भी नीचे ले लो, सही है ना। तो इंस्टेड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर टू से टू, वन से वन, फिर से वही आया, तो थीटा किसके बराबर, ठीक ना। और लास्ट वन, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, अब ये किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब, मैं क्या बोल रहा हूँ, बाय कॉम्पोनेंडो एंड बाय कॉम्पोनेंडो एंड क्या हो जाएगा बच्चे लोग, सर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। आप लोगों को याद है बच्चे लोग कॉस टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन, बट सर यहाँ उल्टा है, प्लस ऊपर है माइनस, उल्टा कर दो ना, इनवर्ट एंडो कर देते हैं, बाय इनवर्ट क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस, अब ये किसका फॉर्मूला है सर, कॉस टू थीटा का, और ये किसका फॉर्मूला है, और अभी कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस टू अल्फा के लिए पढ़े, थीटा किसके बराबर, सेम है ना तीनों के लिए, मतलब सर अगर स्क्वायर वाला आया तो आंसर सबके लिए क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस और माइनस, क्लियर। देखिए नौ केस याद रहेंगे ना, बोलने के लिए तीन ही है, बाकी सब उसी से डिराइव होते हैं। ठीक है, याद है फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग ये टॉपिक समझ गए हो, जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप कुछ से सॉल्व करें, बस आपको याद रहना चाहिए जनरलाइज के लिए किसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, बाकी सब आप लोग खुद से क्या कर सकते हो, थोड़ा ध्यान से देख, कुछ पॉजिटिव वाले सम लेते हैं और कुछ नेगेटिव वाले, इस चैप्टर के अंदर बच्चे दो तीन थ्योरम है, अगला लेक्चर हम सिर्फ थ्योरम पे लेंगे क्योंकि आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ थ्योरम पर होगा, और उन जो थ्योरम करेंगे तीन थ्योरम है उसमें, साइन रूल थ्योरम है, प्रोजेक्शन रूल पर बेस्ड एक थ्योरम है, और कोसाइन रूल एक थ्योरम है, तीन थ्योरम है, थोड़े से बड़े बड़े थ्योरम्स हैं, वो तीनों में से कोई एक आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पक्का मिले, समझा रहे, तीन मार्क के, समझा, उसको थोड़ा ध्यान से, पहले एक्सरसाइज देख, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन का आंसर जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बताएंगे, बाकी चुपचाप सुनेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्या निकालना है, चलो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला नहीं है तीसरा ले रहा हूं, कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग इसको कॉट को टेन में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम लोग को पता है कि अगर मैं कॉट की जगह टेन लिखूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, सही है ना, ठीक है। 10 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 कब होती है बेटा, टेबल नहीं आता, 50 बार टेबल बनाएगा 0 से लेकर 360 डिग्री, कितनी बार 50। कल जिन लोगों को असाइनमेंट दिया था
हाँ जिन लोग ने टेस्ट नहीं पढ़ के आए थे, ठीक है, तो वो लोग अभी बैठ के लिखेंगे इस तारीख पर, और आज लेट जाएंगे अगर नहीं लेकर आए। टेन की वैल्यू 1/√3 कब होती है? 30 पर। किस पर होती है? तो हम लोग लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 10π/3, सही है। अच्छा 10 और कहाँ पॉजिटिव होता है? सॉरी ये 6 पर है। 10 और कहाँ पॉजिटिव? 5/6 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके अलावा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, सर 10 थीटा इज इक्वल टू 10π/θ। अरे हाँ है ना, 180+θ कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बच्चे लोग? पाई है, तो रेशियो चेंज, तो 10π/θ। एंड व्हाट इज थीटा? पाई पाई। तो यहाँ पर पाई थीटा की जगह कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6π/π 7π/π। कोई दिक्कत? मिल गई दो वैल्यूज, दोनों 0 से लेकर 2π के बीच, सही है ना। तो टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5/6 एंड 7π/π। क्लियर है? चलो एक नेगेटिव वाला केस भी ले लेते हैं। अपने को दिया है जैसे ये वाला, दे क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 3 देखो, √3 cosec थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, √3 cosec थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब अपने को तो यहां से cosec चाहिए ना, प्लस 2 को उठा के इधर लेकर आओ, क्या रहेगा? माइनस, √3 को भी नीचे लेकर आओ, तो cosec कितना होगा? -2/√3। रेसिप्रोकल कर दो तो cosec का उल्टा क्या हो जाएगा, और ये कितना देगा? -√3/, सही है। अब माइनस है, माइनस कहाँ कहाँ होता है सर? थर्ड और फोर्थ कहाँ पर होता है? अच्छा देखो, मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो जरा, √3/2 कब होता है? π/3 पर। ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू -sin π/2। अब हम लोग को देखना है कि साइन नेगेटिव कब होता है। सर एक बार वो नेगेटिव होता है पाई प्लस थीटा पे, और एक बार नेगेटिव होता है वो 2π-θ पे। आया ना, 3π/2 मत लेना, रेशो चेंज करना पड़ेगा ना। ये दोनों पर उसकी वैल्यू किस पे आएगी? पाई प्लस थीटा बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? 2π-θ बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? हो गया ये माइनस वाला टेंशन हल्का। नाउ व्हाट इज थीटा? तो पाई थीटा की जगह कितना रख देंगे? ऐसे यहां पर भी कितना रख देते हैं, सही है ना बच्चे लोग? 3π+π 4π/3 क्या बच्चा? हाँ ये माइनस, ये बीच में माइनस है। मिल गए दो वैल्यूज, दो 4π/3 और दूसरा, चेक कर लो ये दोनों 0 से 2π के बीच में है ना, तो दीज आर दी प्रिंसिपल। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? इजी है, देखो। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जनरल सॉल्यूशन, अभी तक की किसकी बात चल रही थी? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या याद होनी चाहिए? फॉर्मूला। एक बार देख लो, क्योंकि एक का डबल खेलना है। जल्दी जल्दी देख लो, 9 फॉर्मूले है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, टेन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा, फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, और दोज़ ऑफ 9 फॉर्मूले। जल्दी से रिवाइज कर लो गर्ल्स, बात नहीं कर रही।
चलो यहाँ पर बॉयज गर्ल्स सब जनरल सॉल्यूशन पर प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। प्रॉब्लम जनरल सॉल्यूशन का कब लिख सकते हैं, जब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा या साइन थीटा इक्वल टू जीरो का फॉर्म। तो ये हाफ को आपको साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। साइन हाफ कब होता है बेटा, आपका मैथ्स है ना, साइन हाफ कब होता है, 30 डिग्री पर होता है। हम लोग यहाँ लिख सकते साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 आया ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। कंडीशन भी लिख देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसका मतलब क्या सर, थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 सही है। तो इसी को ये वाले फॉर्म में लिख दो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन, एन व्हाट इज अल्फा, पाई बाय, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर लिख देंगे एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन किससे बिलोंग कर रहा है, नेगेटिव नंबर के लिए भी और पॉजिटिव, क्लियर। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन वन बाय रूट थ्री कब होता है, क्या लिखेंगे, tan theta is equal to tan pi by 6 सही ना, tan theta is equal to tan alpha then theta is equal to theta is equal to plus theta theta अपना alpha कितना अपना सही है, n belongs to सही है। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, नेगेटिव वाला ले लेते कोई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, तो पहले तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन रूट टू, अरे हाँ है ना, वन बाय रूट टू कितने पर होता है, तो आप इसको लिख दोगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय, बट साइन नेगेटिव कहां पर होता है, थर्ड और फोर्थ, पहले कहां पर आएगा, थर्ड में। तो हम लोग इसको क्योंकि इधर सुनो, जब आप जनरल सॉल्यूशन की बात करते हो तो अल्फा एक ही लिखोगे, अल्फा तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय फोर, अरे हाँ है ना, साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाय इज इक्वल टू साइन, समझा मैंने 2 पाई माइनस क्यों नहीं लिखा बच्चे लोग, आप जब क्लॉकवाइज रोटेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो पहले कौन सा क्वाड्रेंट पड़ता है, थर्ड ना, फिर कौन सा क्वाड्रेंट पड़ता है, अब मेरे पास तो दो वैल्यू हो जाएगी थीटा की, अल्फा की दो वैल्यू आ जाएगी ना, बट मुझे तो कोई एक ही लिखना है, तो हम लोग कौन सी सेलेक्ट करेंगे पहले, अब समझ में आ गया। जैसे मान लो कि अगर 10 0 बोल 10 नेगेटिव बोल, क्या होता, 10 कहां नेगेटिव होता है, सेकंड पहले कहां पड़ता है, हम लोग सेकंड वाली वैल्यू को कंसीडर, ठीक है, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin पाई बाय, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, प्लस माइनस वन से स्क्वायर अल्फा, हियर अल्फा इज व्हाट, पाई पाई बाय एन बिलोंग्स टू इंटीजर, सही है ना बच्चों, इजी है ना, क्या याद रखना है, जनरल फॉर्मूला, अगर वो याद है तो सॉल्व। इसी में देखो एक और दिया हुआ है, थोड़ा सा cot 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, cot को 10 में लिख सकते हैं, तो tan 4 थीटा कितना आ जाएगा, ये भी सर माइनस 1 ही रहेगा, 1 अपॉन माइनस 1 इज नथिंग बट माइनस 1, tan 1 कब होता है 45, तो क्या हो जाएगा tan 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 4, tan नेगेटिव का होता है, सेकेंड और कौन सा लेंगे, फोर्थ ना, सेकेंड लेंगे ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ, नहीं पहले कौन पढ़ रहा है, तो सेकेंड लिखेंगे ना, पाई माइनस पाई बाय 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 10 4 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 10 पाई प्लस अल्फा, what is theta, sir apna theta yahan par 4 theta, n pi, n what is alpha,
थ्री फाइव फाइव, हम लोग को सिर्फ थीटा चाहिए ना, तो फोर को नीचे लेकर आ जाओ, तो एन पाई अपॉन फोर प्लस थ्री पाई अपॉन फोर इंटू फोर, अरे आया ना, दोनों के नीचे आएगा ना फोर, कितना जाएगा एन पाई अपॉन फोर प्लस थ्री पाई अपॉन सिक्स, ये हो गया थीटा, वेयर एन बिलोंग्स टू, समझ में आ रहा है कि इजी है ना,